सब्सक्राइब कीजिए इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल की लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक और नई वीडियो में। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना, कितने ही ग्रह, चांद, सूर्य, तारे, उल्कापिंड और न जाने क्या क्या। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही वो ग्रह होगा जिसमें जीवन संभव है। लेकिन अपना उत्तर आप इस वीडियो को देखने के बाद दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ समानांतर ब्रह्मांडों के एक ऐसे सफ़र में जो शायद शुरुआत में तो आपको एक हॉलीवुड फिल्म के सीन की कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको बताऊँगा उसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में और साथ ही भारत में समानांतर ब्रह्मांड की घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में जो आपको एक बार के लिए तो ज़रूर इस बारे में सोचने को मजबूर कर ही देगा, तो आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और चलिए मेरे साथ पैरेलल यूनिवर्स के एक ऐसे अनोखे सफ़र पर जो अपने अंदर न जाने कितने ही असीमित संभावनाओं को समेटे बैठा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स या फिर समानांतर ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। आज सभी लोग अपने ब्रह्मांड के बारे में तो जानते ही हैं, जिसमें बहुत ही सारे ग्रह, चांद आदि मौजूद हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका ब्रह्मांड कितना बड़ा है? शायद नहीं। हमारे लिए आज तक भी हमारा ब्रह्मांड सिर्फ उतना ही बड़ा है जितनी दूर से आए प्रकाश को हम डिटेक्ट कर पाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ब्रह्मांड सच में उतना ही बड़ा है। आप इस बात को इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर किसी घर में 12 कमरे हैं जिसमें से सिर्फ 2 कमरे ही नीचे मौजूद हैं और ऊपर बाकी 10 कमरों में जाने के लिए फिलहाल हमारे पास सीढ़ी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो घर सिर्फ 2 कमरों का ही है। इसी तरह अगर ब्रह्मांड की बात की जाए तो वो कितना बड़ा है, इसी सवाल ने जन्म दिया मल्टीवर्स थ्योरी को, जो ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड ही सिर्फ एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि ऐसे ही न जाने कितने ब्रह्मांड इस वक्त भी मौजूद हैं जिन्हें पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि हमारे जैसे ही और हजारों ब्रह्मांडों का होना, जहां पर भी हमारी जैसी ही एक पृथ्वी होगी, समुद्र होंगे, आप होंगे और हाँ मैं भी। लेकिन जो चीज़ अलग होगी वो है संभावनाएं। मान लीजिए कि जैसे आप इस ब्रह्मांड में अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि किसी और ब्रह्मांड में आप इस वीडियो को पहले ही देख चुके हो, किसी दूसरे ब्रह्मांड में आप इस वीडियो के बारे में जानते ही नहीं, एक अलग ब्रह्मांड में मैंने अभी तक यूट्यूब पे चैनल ही नहीं बनाया और एक और ब्रह्मांड है जहाँ पर आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए। और ऐसे करते करते जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उतने ही समानांतर ब्रह्मांड इस वक्त मौजूद हैं। पैरेलल यूनिवर्स का यह कॉन्सेप्ट समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रैवल से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जो चीज़ आपके दिमाग में भी आ रही होगी वो ये कि आखिर इतने सारे ब्रह्मांड मौजूद कहाँ हैं, जहाँ आज तक भी हम अपने ही ब्रह्मांड के अंत का पता नहीं लगा सके, वहाँ इतने सारे ब्रह्मांडों के होने की इस अजीब गुत्थी को आखिर कैसे सुलझाएंगे। अगर बात करें विज्ञान के नज़रिए से तो अलग अलग थ्योरीज की मदद से विज्ञान पैरेलल यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट को बताता है। जैसे कि एक थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज़ कुछ एक निर्धारित समय के बाद अपने आप को दोहराने लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 12 और आप इसके नंबर्स को अदल बदल कर एक नई संख्या बनाना चाहते हैं, तो आप 12 को सिर्फ 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला है 1 2 यानी कि 12 और दूसरा 2 1 यानी कि 21। तीसरी बार आपको फिर से 12 ही लिखना पड़ेगा, मतलब 12 अपने आप को हर तीसरी बार दोहराता चला जाएगा। अगर थोड़ी सी लंबी संख्या की बात की जाए जैसे कि 156 156, और अगर आप इसमें नंबर्स को आगे पीछे कर संख्या बनाएंगे तो फिर से हर सातवीं संख्या 156 ही होगी, यानी कि हर सातवीं बार 156 खुद को दोहराने लगेगा।
अगर कोई दूसरा उदाहरण लेकर आपको बताऊं, तो अपने आसपास मौजूद घड़ी को देखिए। अभी उस घड़ी में जितने बज रहे हैं, ठीक 12 घंटे बाद भी उतने ही बजेंगे। मतलब घड़ी की सुई भी हर 12 घंटे में अपने आप को दोहराती है। तो इसी तरह जो चीज़ जितनी बड़ी होगी वो उतने समय बाद खुद को दोहराने लगेगी। और अगर विज्ञान की माने तो स्पेस टाइम वाला चौथा डायमेंशन फ्लैट है। इसका मतलब वो अनंत टाइम तक चलता रहेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी, हर ग्रह, चांद और वो हर एक चीज़ जो इस ब्रह्मांड में है फिर से रिपीट होगी। और कब तक होती रहेगी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि स्पेस टाइम अनंत होगा, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी जैसी ही और पृथ्वी भी होंगी और हमारे जैसे ही और लोग भी। विज्ञान की एक और थ्योरी है जो ये कहती है कि सारे पैरेलल यूनिवर्स असल में हमारे यूनिवर्स के साथ ही मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग आयाम यानी कि डायमेंशंस में, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। ये थ्योरी क्वांटम फिजिक्स के मदद से मिली है, जिसमें हेंसनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर एक चीज़ उस समय सर्टेन होगी तो दूसरी चीज़ अनसर्टेन होगी। और साथ ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साथ काफ़ी जगहों पर मौजूद हो सकता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक साथ काफ़ी जगहों पर मौजूद हो सकता है तो उससे बनी चीज़ें क्यों नहीं, क्योंकि हमारे आसपास की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं और एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। जिसकी वजह से विज्ञान क्वांटम फिजिक्स के तर्क पर यह कहता है कि पैरेलल यूनिवर्स असल में हमारे साथ ही मौजूद हैं और हमारे साथ ही हमारी सारी संभावनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अलग अलग आयामों में होने की वजह से हम उन्हें नहीं देख पाते। मैंने आपको पहले यह भी बताया था कि पैरेलल यूनिवर्स टाइम ट्रेवल से भी जुड़ा हुआ है, तो चलिए इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आज हमारे पास टाइम मशीन मौजूद नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में टाइम मशीन बन जाती है और मेरे पास भी एक टाइम मशीन है और मैं भूतकाल में जाकर अपने आप को ही मार देता हूँ, उस वक्त जब मैं छोटा था, तो फिर अब क्या होगा? इसमें बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या मैं जब वापस भविष्य में जाऊँगा तो क्या मैं जिंदा बचूँगा? अगर हाँ तो फिर वो कौन था जिसे मैंने छोटे में ही मार दिया? और अगर नहीं तो आखिर वो समय कहाँ चला गया जिस समय मैं जवान हुआ और वापस जाके मैंने अपने छोटे वाले रूप को मारा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुझे मारा किसने? आप कहोगे कि आपने खुद को मारा, लेकिन कैसे? मैं तो बचपन में ही मर गया था। मुझे पता है कि इन सब सवालों के बाद आपका दिमाग भी कुछ ऐसे घूम रहा होगा, लेकिन इसका जवाब पैरेलल यूनिवर्स के डायमेंशंस यानी कि आयाम हमें दे देते हैं। पैरेलल यूनिवर्स की माने तो मैंने जिसको छोटे में मारा वो मैं ही था, लेकिन किसी और यूनिवर्स या आयाम में, जिसकी वजह से अगर वो मर भी जाता है तो मेरे इस आयाम या कहें तो यूनिवर्स में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं अब भी जीवित रहूँगा। और ना ही सिर्फ मैं, बल्कि मेरा ही जीवन जीने वाले सभी यूनिवर्स के दीपक भी जिंदा रहेंगे, सिर्फ उस आयाम के दीपक को छोड़कर जिसको मैंने खुद मारा है। आपके लिए इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, तो चलिए आज मैं आपको पैरेलल यूनिवर्स की एक ऐसी घटना के बारे में बताता हूँ जो भारत में ही घटित हुई थी। ये समय था 1965 का, जगह आज का मौजूदा नैनीताल, उत्तराखंड। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जहाँ का एक व्यक्ति वासु भनोट नैनीताल में कपड़े का व्यापार किया करते थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1965 के दिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जो शायद वो अपने मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। 13 अक्टूबर 1965 को वासु नैनीताल से अपने गांव सतराली के लिए निकले। उनके उस गांव में उनका एक पुश्तैनी मकान था, जहां उनके चाचा अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। वासु नैनीताल से हर साल उस गांव में अपने चाचा से मिलने जाया करते थे। सतराली के नैनीताल से दूर होने और पहाड़ी रास्ते में आने जाने के साधन ना होने की वजह से वासु आधा रास्ता तय करने के बाद थोड़ा थक गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम करने के बाद बाकी का रास्ता तय किया जाए। उनको बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक धुंध के एक गुबार ने उनको घेर लिया, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से वासु को लगा कि धुंध का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है
और वो धुंध को चीरते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। धुंध से दूसरी तरफ निकलते ही उन्हें अपना गांव सामने दिखाई देने लगा, लेकिन वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा अलग दिखाई दे रहा था। मतलब कि उस गांव के पास से बहने वाली नदी, जिसे वासु बचपन से देखते आ रहे थे, अब वहां नहीं थी। गांव में कई ऐसे लोग उसे दिखाई दे रहे थे जिन्हें वो पहली बार देख रहे थे। लेकिन सारे सवालों को खुद में समेटे वासु अपने घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो उनके जीवन की सबसे रहस्यमय घटना का घटित होना बाकी था। वासु जैसे तैसे अपने घर पहुंचे और जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो वो भौचक के रह गए। उनके चाचा के घर का दरवाजा किसी और ही व्यक्ति ने खोला, जिससे वो पहली बार मिल रहे थे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वो इस घर में पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वासु पिछले साल ही अपने चाचा को मिलकर गए थे। वासु ने जब गांव वालों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि ये सच कह रहे हैं, यही हैं जो पिछले 20 सालों से इस घर में रह रहे हैं। इतना सुनने के बाद वासु ने अपने चाचा के बारे में भी पूछ ही लिया और कहा कि वासु और उसके चाचा कहाँ चले गए। और जो जवाब गांव वालों ने दिया उसे सुनकर वासु के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने वासु को बताया कि 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में वासु और उसके चाचा के पूरे परिवार की मौत हो गई। ये सुनकर वासु कुछ भी नहीं समझ पाया और उसी समय वापस नैनीताल की ओर निकल गया। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वासु को वैसी ही धुंध गांव से वापस आते वक्त भी दिखी, जिसे फिर से वासु ने पार किया और नैनीताल आकर अपने पिता और पुलिस को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। शुरुआत में पुलिस भी इस सब के बारे में सुनकर आश्चर्य में थी, लेकिन सच जानने के लिए वो लोग अगले ही दिन फिर से सतराली यानी कि वासु के गांव की ओर निकल गए। लेकिन इस बार मौसम पूरी तरह साफ था, धुंध का नामो निशान तक नहीं था। गांव के अंदर प्रवेश करते ही वासु को सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दी वो थी वो नहर, जो कल वहां पर नहीं थी। आज जब वासु अपने घर पहुंचे तो दरवाज़ा उनके चाचा ने ही खोला, जिसे देखकर वासु की आंखें फटी की फटी रह गई। जब वासु ने कल अपने साथ घटी घटना के बारे में अपने चाचा और गांव वालों को बताया तो वो लोग उस पर हंस पड़े और कहने लगे कि क्यों मजाक कर रहे हो वासु, तुम यहाँ कल कब आए थे। उनके चाचा ने वासु को कहा, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या इस घर में मैं नहीं रहता। अगर इस घर में आज भी मैं रह रहा हूँ तो कोई पिछले 20 सालों से यहाँ कैसे रह सकता है। ये घटना 1965 के कुछ समय बाद ही मीडिया में भी आ गई थी और इस घटना को पहले यूनिवर्स का एक सच्चा जीता जागता सबूत माना जाता है। खैर, अगर सबूत मौजूद हैं तो किसी चीज़ को सिरे से नहीं नकार दिया जा सकता, लेकिन जब तक ऐसा कुछ विज्ञान खुद करके नहीं देख लेता तब तक इस पर पूरी तरह विश्वास कर लेना भी सही नहीं होगा। अब बाकी आप पर है कि आप इसे सच मानते हैं या सिर्फ विज्ञान की एक कल्पना समझकर भूल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।